खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के ग्राम देवाल में सिंचाई के लिए बनाए जा रहे तालाब निर्माण कार्य को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्राम देवाल के किसान कांग्रेस नेता ठाकुर राजनारायण सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। दरअसल पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवाल में WRD के द्वारा तालाब निर्माण का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, जिसका टेंडर हो चुका है। ग्रामवासियों ने बताया कि झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन की बजट में मंजूरी हो चुकी है, जिससे ग्राम दीवाल की जमीन सिंचित होगी। इसके अलावा अर्दला खुर्द तालाब परियोजना भी ग्राम में तालाब का निर्माण कर रही है। ऐसे में WRD के द्वारा एक और तालाब का निर्माण, जिसका कोई औचित्य नहीं है, अतः इस तालाब का निर्माण निरस्त किया जाए। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा क्षेत्र में दीवाल में एक टैंक बन रहा है बैराज, जिससे कि सिंचाई होने वाली सिंचाई मतलब उसमें कोई भी नहर नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक अब्दला डैम ऑलरेडी सिंचाई विभाग डिवीजन खंडवा ऑलरेडी काम कर रहा है और उसमें पूरा एरिया वो सिंचित हो रहा है। कुछ कमी बेसी थी तो NVDA के द्वारा आपकी झिरनिया लिफ्ट इरीगेशन सिंचित हो गई, जिसमें 86 गाँव है और इसमें ये तमाम एरिया पूरा सिंचित हो रहा है। ज़मीनें मिलनी रही है, जनसंख्या हिंदुस्तान की डबल हो गई है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो उससे भी लोग डबल हो गए। अब जब दोनों तरफ से ज़मीनें सिंचित हो रही है तो फिर तालाब बनाने का क्या औचित्य, उसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए मैं परसों के रोज गांव दीवाल गया था, मैंने कलेक्टर से बात करी और ये सब लोगों को बुला लिया। कलेक्टर को अभी आप बहुत साफ सुथरी बात ये कही कि दरखास्त दी, परीक्षण करवा लो और एक रिपोर्ट बना लो और उस पर कलेक्टर का एक DO लगाकर विभाग को चले जाए, अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो बात है कि प्रशासनिक अनुभव बहुत है, नर्मदा सागर में, इंदिरा सागर में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और अगर किसी के खिलाफ, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में बहुत ताकत से आवाज़ उठाना चाहिए, इसलिए आवाज़ उठाने के लिए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगावाला की जय। इस मामले में खंडवा कलेक्टर का कहना है कि स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट बुलवाई जाकर उचित निर्णय लिया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर एक अपना WRD के द्वारा एक तालाब निर्माण का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, इसमें टेंडर भी हो गया था। तो ग्रामवासियों द्वारा ये बात की गई कि एक झिरनिया लिफ्ट इरीगेशन है जो NVDA द्वारा किया जा रहा है, उसकी बजट में मंजूरी हो गई है। तो चूँकि उस लिफ्ट इरीगेशन में वो मंजूर हो गया है, जिसमें दीवाल गाँव का रकबा भी सिंचित होगा, अर्थात जो दीवाल बॉन्ड का निर्माण है उसको ना किया जाए, तो इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें WRD और NVDA के इंजीनियर द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर जांच की जाएगी, यदि उनकी मांग सही पाई जाती है तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से नीतीश शर्मा की रिपोर्ट।